बहुत दुख की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को वोट पाने के लिए गली गली में घूमना पड़ रहा है, और जहाँ से पटना साहिब के प्रत्याशी खड़े हैं, जो उनका ऑफिस और घर है, ठीक उसी गली से वो जा रहे हैं। नमस्कार, आप इसके साथ फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार पटना पहुंची है और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री और बीजेपी घबराए हुए हैं। जैसे ही दो तीन चरण का चुनाव हो गया है तो अब 400 पार के नारे लगाने बंद कर दिए हैं। प्रधानमंत्री पाटलिपुत्र सीट पे, जहाँ से मीरा कुमार के बेटा अंशुल अभिजीत चुनाव लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि वैसे में अपने जो उम्मीदवार हैं पाटलिपुत्रा के रविशंकर प्रसाद, उनके प्रचार करने के लिए भी पटना के उस गली से गुजर रहे हैं। बहुत ही दुख की बात है कि प्रदेश के प्रधानमंत्री को गली गली घूमकर वोट मांगने की जरूरत पड़ रही है। क्या कुछ कह रही हैं मीरा कुमार, पहले आप उनके बयानों को सुने। आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं पटना में, रोड शो है प्रधानमंत्री का, क्या कहेंगे? बहुत दुख की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को वोट पाने के लिए गली गली में घूमना पड़ रहा है, और जहां से पटना साहिब के प्रत्याशी खड़े हैं, जो उनका ऑफिस और घर है, ठीक उसी गली से वो जा रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती होगी मैडम, क्योंकि आपके सामने आपके बेटे के सामने रविशंकर प्रसाद? कोई चुनौती नहीं है उनके लिए, चुनौती है जो इतना घबरा गए हैं कि देश के प्रधानमंत्री गली गली में आ रहे हैं। 400 की बात और 40 की बात कर रहे हैं बीजेपी के लोग, देश में 400 पार, बिहार में 40 की 40। वो पहले करते थे, जब से दो तीन चरण के चुनाव हो गए हैं तब से उनको वास्तविकता पता चल गई है, आजकल नहीं करते। आपके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं तो कितना बड़ा चुनौती होगा? उनके लिए चुनौती नहीं है, जो उनके प्रतिद्वंद्वी है उनके लिए चुनौती। थैंक यू मैम। तो आपने साफ तौर पर सुना मीरा कुमार का, तो जा रही है कि देखिए प्रदेश के प्रधानमंत्री अगर गली गली वोट मांग रहे हैं तो बहुत ही दुख की बात है। अब 400 पार के नारे अब प्रधानमंत्री नहीं लगाते हैं। जैसे ही दो तीन चरण के चुनाव हुए, उन्हें पता चल गया है इस बार जो लोग हैं वो NDA के वोट नहीं, महागठबंधन और इंडिया अलायंस के साथ हैं। राजकुमार, इतना ही, इसी तमाम खबरों में बने रहे, आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।